हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यू IAS नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 सेशन कर लिए हमारे और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2014 के पेपर से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में साथ ही लेके आने वाला का हूँ, ये काम कर लो, ये ऐसे लिख लो आप इसको कि PYQ पार्ट 1, ठीक है, इसको PYQ पार्ट 1 कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 2014 ऑनवर्ड्स, ये 2014 से मैं शुरू करने वाला हूँ, क्लियर है। जो क्वेश्चन ना समझ आए, डू अंडरस्टैंड वन थिंग, ना समझ आए तो आप मुझसे कहाँ पूछ सकते हैं, 9517771651 इस नंबर पे स्टूडेंट साहब मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, समझ आएगी बात। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, समझाइए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स चलिए, दैट इज अभिमन्यू IAS टारगेट CSAT 2025। तो फ्रेश बैच कमिंग सून, ऑलमोस्ट आपके पास हफ्ते 10 दिन में एक नया बैच आ रहा है, क्लियर, जिसमें पूरा आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड करवाने वाले हैं, पूरा लॉजिकल रीजनिंग करवाने वाले और पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको करवाने वाले, समझ आएगी बात, कंप्लीट, और वो भी एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स के साथ। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन है जिनके कॉन्सेप्ट पूरे हमने करवाए हुए थे, मतलब 4-5-5-4 ऐसा था। तो समझो इस बात को कि हम बिल्कुल मतलब, और ये बैच कहाँ है मेरे पास, 0 टू एडवांस लेवल पे, कि बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक स्टूडेंट्स हम लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बैच, क्लियर। सो डू जॉइन, अभी ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम MCQ सेशंस भी करेंगे, सारा कुछ इसमें, सारा का सारा इसके अंदर सब कुछ कवर करेंगे, क्लियर। दिस आर अवर एड्रेस ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर, यू कैन ऑल्सो विजिट देयर, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू। चलिए, तो ये मैं आपको बता ही रखा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, आप खुद बताओ कि ऐसा क्वेश्चन मैंने सेशन में करवाया, यस मैंने आपको, अभी जो हमने 4 सेशन लिए उसमें मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। क्या दिया है, अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इज लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इज विड्थ बाय 20%, मतलब लेंथ को 20% डिक्रीज कर दिया और विड्थ को 20% डिक्रीज कर दिया, 40 डिक्रीज और 20 डिक्रीज। द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, देखो सबसे पहली बात एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका एरिया होगा, यस यही इसका एरिया होगा, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, गार्डन इंक्रीज द एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल गार्डन इंक्रीज बाय 40%, देखो लेंथ, फिर भाई अपना ओरिजिनल फाइनल वाला फंडा उठा लो, 40% का मतलब 40/100, 20 दूनी 40, 20 50 100, यानी अगर ओरिजिनली 5 था फाइनली कितना हो गया, 7 हो गया, 5 7 हो गया। अच्छा, अगर ब्रेड्थ की स्टूडेंट्स में बात करता हूँ, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास, 20% डिक्रीज, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 थी तो ये 4 होगी। ये बताओ, अगर लेंथ 5 थी वो 7 होगी, ब्रेड्थ अगर 5 थी वो 4 होगी, ये चीज़ क्लियर होगी। आप कुछ नहीं करना, देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये आपका यूपीएससी सीज़र 2014 का क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस को देख के पूरा बैच बनाया जाता है, इन्हीं क्वेश्चंस को देख के कि आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी प्रेडिक्शन बड़ी सही रहती है। 5 गुना 5 25 और 7 गुना 4 28, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। आप दो काम कर सकते हो, अगर ये 25 से डायरेक्ट 100 बन रहा है तो बना दो, किससे मल्टीप्लाई करके, 4 से, इसको भी 4 से करोगे कितना आएगा, 112, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ गया, 12% का इंक्रीमेंट आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, 25 से 28, यानी 3 का इंक्रीमेंट कितने पे, 25 और गुना 100%, 25 चौके 100, 3 गुना 4 कितना है मेरे पास, 12% एज इंक्रीज बाय 12%, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब बेसिक्स पे आप काम करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे फ्रेंड्स आप। ठीक है, समझ आ गया? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। ये 2014 के पेपर हमने शुरू किया और इसको देखते हैं 2018-19 जहाँ तक भी हम कवर कर पाएंगे आज करेंगे, बाकी जो बचेगा उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ऐसे ही मैं पूरा का पूरा सेशन लेके आऊँगा आपके लिए, एक एक चीज़। ठीक है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी अपनाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट चीज देखो, ये है आपका यूपीएससी सीसेट 2015 से क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए, स्कोर करिए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन इज इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट and on all question in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहे होंगे ये बताओ। टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहे होंगे बताइए। देखो अ कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन एंड 50%। देखो मैंने माना लेट 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, उसने क्या बोला? ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स। अगर 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ? 8 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स हुआ। 50 इसका 50% यानी 4 क्वेश्चन ठीक हुए तो कितने नंबर मिलेंगे भाई? 4 मार्क्स मिलने चाहिए। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं वो? 40% ऑफ टेस्ट ऑब्टेन 40%। 40% की वैल्यू क्या आ गई? 4 मार्क्स। तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी हुई? 10 मार्क्स। क्लियर? यानी 10 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 10 क्वेश्चंस। तो टोटल आपने क्या किया होगा? यही तो किया होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा उलझावट वाला क्वेश्चन था बेसिकली। देखो जरा क्या दिया होगा। क्लियर? चलिए इजी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आपके पास, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी एंड 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 15% रीड मैगजीन बी एंड सी एंड 25% रीड मैगजीन ए एंड सी एंड 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स। वट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके पास। टॉपिक लिखना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। और ये यूपीएससी सीसेट 2015 से वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ये आपके पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन। करिए क्वेश्चन को। करिए प्लीज। देखो सबसे पहली बात, ये वेन डायग्राम क्वेश्चन 3 वाला, मतलब ऐसा कुछ बनेगा ये। थोड़ा समझा देता हूँ बेसिक्स में कि एक्चुअली में करना क्या इस क्वेश्चन में। देखो टोटल इसको करने के लिए वो आना चाहिए जो मेरे पास है। कहने का मतलब क्या है? मेरे पास 100% होता टोटल, बट वो ये कह रहा है कि इसमें से कुछ रीड आउट नहीं करते। तो डेफिनेटली जितना ये आएगा, ये सारे के सारे कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ बोले ना। और जो 100 में से टोटल करके आएगा माइनस कर देना, आपके पास वो आ जाएगा जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। अरे डाटा देखते हैं। मैगजीन है मतलब जो ए वाले रीड करते हैं, एन ऑफ ए इज हाउ मच। डाटा लिख लो पहले, ठीक है, समझेंगे फिर इसको। एन ऑफ बी इज हाउ मच? 55%। एन ऑफ सी 40%। 30% रीड ए एंड बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? यूनियन इंटरसेक्शन ले लो, इसको कॉमन है ना, A and C, एक मिनट, 30% रीड A and B, B इंटरसेक्शन से कितना 15%, 25 रीड A and C, कितना आ गया मेरे पास 25%, ये दिया वो बेसिकली मुझे। तो यहाँ एक बार प्लॉट कर ले इसको, प्लॉट करने से क्या होगा दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, एन ऑफ ए यानी पूरा ये हो गया, ये कितना है 45%, एन ऑफ बी कितना है 55%, और जो सी पढ़ रहे हैं वो कितने 40%, ठीक है। अच्छा, एंड 10% रीड ऑल यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 10%। ये कौन सा पोर्शन है, सबसे सेंटर वाला, ये वाला ध्यान से देख लो, ये वाला ये कौन सा पोर्शन है, तीनों में कॉमन है, ये कितना आ गया मेरे पास 10% आ गया। अब आई बात समझ में। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन भी, मतलब ये पूरा कितना दिया मुझे 30%, ये पूरा कौन सा ये वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन कितना दिया पूरा, ये कौन सा ए और सी 25%। क्योंकि मैं इतने आराम से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर अगर दोबारा आए तो आप छोड़िएगा मत, ठीक है। अच्छा ये कौन सा मेरे पास लास्ट, ग्रीन कलर पीर और ढंग से, जी हाँ, ये ए और बी, बी और सी, ये 15%। अब ध्यान से देखो, अब सारा कुछ प्लॉट हो चुका है, बस मुझे फाइनल प्लॉटेशन की जरूरत है। देखो भाई ये टोटल कितना दिया है, ये टोटल 30 दिया है, 10 हो गया तो 20 हो गया, ये बताओ ये हो गया 10, अगर ये 10 था टोटल 30 था तो ये 20 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ये टोटल कितने, ग्रीन वाला टोटल 15 दिए, 10 था तो 5% रह गया, ठीक है। ये टोटल 25 था, 10 था तो 15 रह गया। ये बेसिकली मुझे प्लॉट करना था इस तरह के क्वेश्चन में बहुत डीपली, समझ आ गई बात। अब देखो अब मुझे क्या दिया है, अब अगर मैं ये पोर्शन कौन सा बचा मेरे पास, देखो ये वाला, ये बचा ओनली ये, अगर ओनली पूछा होता देखो ये कितना भाई 45 है टोटल, ए वाला 20 30 40 45, 0%। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सिर्फ ए पढ़ रहा हो, ओनली का मतलब क्या सिर्फ ए पढ़ रहा हूँ, ओनली कोई भी नहीं है। बी कितना देखो 20 10 30 5 35, तो ये कितना का 20, ये क्या ओनली बी, ओनली बी आ गया। अच्छा लास्ट वाला कितना देखो मेरे पास, ये वाला ओनली सी 10 5 15 5 20 15 5 20 10 30, आ गया, ठीक है। अब अगर ये 30 है, ये कितना टोटल 40 है तो 10 आ गया, ये क्या आ गया ओनली सी। अगर आपसे ये सब चीजें पूछी जाएं तो थोड़ा सतर्क रहिए कि भैया पूछा क्या जा रहा है एक्चुअली मुझसे। बहुत अच्छा सा डायग्राम, अब इसको सबको ऐड कर दो, किस किस को ऐड करना देखो 20 40 50 65 70 और 10 80, तो पूरे को मिला के कितना आ गया 80 आ गया। तो 100 में से 100% में से क्या माइनस कर दो, 80% माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो प्लीज डू लाइक शेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बड़ी इजीली करवाया मैंने, क्लियर। नोट कीजिए, देखो एक फॉर्मूला भी होता है, अगर कई बार यूज हो जाए, ये ना दिया हो तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला था जो मैं लगाता हूँ। क्लियर, तो ध्यान रखो कहाँ पे प्लस है कहाँ कहाँ माइनस है, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। क्लियर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन, 70% मैन एंड 75% वुमेन। क्लियर क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब टीयर 1 टीयर 2 वाला पहले क्वालिफाइंग वाला कर लिया उन्होंने। क्लियर, एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। ये क्वेश्चन भी हमारा यूपीएससी 2015 का है, रिजल्ट 2015 का पेपर है। क्लियर, चलिए देखो जरा, अब मेरे पास मैंने माना 100% है, या एक काम करें आगे फिर है, इसको मैं 1000 मान लेता हूँ। मैं डाटा शुरू में 1000 ले लिया, अगर मैंने शुरू में इस डाटा को 1000 ले लिया, मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। इसमें क्या बोला है, इसमें कुछ मैन है कुछ वुमेन है। ठीक है, 60% मतलब 600 मैन है, वुमेन कितनी है 40% यानी 400 है, 600 मैन और 400 वुमेन है। क्लियर, 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, 70% मैन। इसका 70% कितना हो स्टूडेंट्स, 420, और इसका 75% कितना हुआ 300 हुआ। 75 का मतलब क्या, 3/4, मतलब इन्होंने क्वालिफाइंग कंप्लीट कर लिया। 420 मैंने और 300 मेरे पास वो मैंने क्वालिफाइंग हो गया। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन आर सक्सेसफुल। अब इसका 80%, 320 और 16 कितना हो गया मेरे पास 336, 336 मैन यहाँ से अपीयर हुए फाइनल टेस्ट के लिए। ठीक है, एंड इसका 70%, ये कितना हो गया 210 हो गया। तो डेफिनेटली क्या ये डाटा इससे बड़ा, यस मैन इज ग्रेटर देन वुमेन। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, 336 और 200 500 से ऊपर चला गया। मैन मोर क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, तो मैन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपकी वुमेन। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका CSAT 2015 से, जल्दी से इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो देखो मैंने जो आपको पार्ट 1 करवाया, पार्ट 2 करवाया, पार्ट 3 करवाया, पार्ट 4, 4 ऑलमोस्ट पार्ट किए मैंने। एक क्वेश्चन बता दो जो अभी तक हमने किया और उस पार्ट में ना कवर हो। अब अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं। अब 2023 का पेपर अच्छा खासा पेपर था, थोड़ा मुश्किल मॉडरेट लेवल का था, लेंथी पेपर था। बट अगर आपको और अच्छा करना है, जैसे मैं बता रहा था कि 110 120 मार्क्स बन रहा है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के, जिनसे मेरे तक ज़्यादातर बात हुई है। क्लियर, तो आपको एक बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे सारे के साथ लिंक आएंगे। क्लियर है, ये इस नंबर पर कॉल कर लो 951777, इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, दैट्स इट। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट इज अनितास मैथमेटिक्स टेस्ट एट 70 प्रॉब्लम कैरिंग इक्वल मार्क्स, दैट इज 10 अर्थमेटिक, 30 एल्जेब्रिक एंड 30 ज्योमेट्रिक। ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक, 40% ऑफ एल्जेब्रा एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली, शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60 मार्क्स, 60% मार्क्स। द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न अ 60% पासिंग मार्क्स। बताओ, बताइए क्या आंसर इसका, 60% पासिंग मार्क्स। देखो टोटल वी हैव 70 प्रॉब्लम्स, इक्वल मार्क्स, 10 अर्थमेटिक, 30 एल्जेब्रिक, 30 ज्योमेट्री। ऑल्दो शी आंसर्ड। अब देखो इसमें भी क्या किया है, ये तो पहले ही बता दें ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स हैं। अर्थमेटिक है, 70 क्वेश्चन है, 70 में से 10 अर्थमेटिक है, ये टोटल 70 मैथ के क्वेश्चन है। उसके बाद एल्जेब्रा के 30 और ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन है। फिर वो क्या कह रहे हैं 10 अर्थमेटिक, 30 एल्जेब्रिक एंड 30 ज्योमेट्री का। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी वो ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक, इसका 70% यानी यहाँ से प्लस 7 हो गया। 40% ऑफ एल्जेब्रिक, इसका 40% यानी प्लस 12 हो गया। एंड 60% ज्योमेट्रिक, इसका 60% हो गया यानी प्लस 18 हो गया। बात खत्म। यानी 12, 18 और 12, 30, 10, 37, उन्हें 37 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। मैंने बोला एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, सिंपल। और यूपीएससी सीसेट 2017 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, तो 70 क्वेश्चन इज इक्वल टू 70 मार्क्स। 70 क्वेश्चन को 70 मार्क्स। अब उसके कितने मार्क्स है? वो क्या कह रहा है भाई, शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गोट लेस देन 60% मार्क्स। उसके 60% से कम मार्क्स है, मतलब 60% चाहिए पास होने के लिए। 70 का 60% कितना हुआ? 42 हुआ। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू 60% मार्क्स ही मार्क्स। तो भाई 5 क्वेश्चन और चाहिए होंगे इसको। बात खत्म। 37 आगे 42 चाहिए, तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है मेरे पास। क्लियर, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। ठीक हो गया। चलिए next, 2 numbers x and y are respectively 20% and 28% less than third number z. by what percentage is the number y less than the third number x? ये क्वेश्चन भी हमने नोट्स में अभी किया हुआ। नोट्स मतलब जो हमने अभी 1 2 3 4 सेशन की उसमें कंप्लीट किया हुआ। क्लियर, तो देख सकते हो प्रीवियस ईयर को देखते हुए भी हम सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे नोट्स वगैरह सबको हम देखते हैं। क्लियर, देखो x आ गया और 3rd नंबर है। ठीक है, 2 numbers x एंड y रिस्पेक्टिवली 20%, 28% लेस देन। देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया। लेस देन है 3rd नंबर z। अगर मैं x की बात करूं, x कितना कम है? 20% यानी 5 ये था, तो 4 मेरे पास x होना चाहिए। तो उसके तक होना चाहिए, लेस तो जब ही होगा ना। अच्छा, ये कंडीशन नंबर 1 होगी मेरी। अब मैं बात करता हूँ y की, 28%। 28% का मतलब क्या हुआ? 28% मतलब 4 7 28, 25 हो का 100। अगर 25 है तो इसमें से 7 माइनस कर दो, 18 आ गया। ये हमारी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 2 होगी। यहाँ पे 5 फिल करो और यहाँ पे 25 डालो, ये कंडीशन 2 होगी। 25 हो का 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया और 18 पंजे 90 हो गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया मेरे पास। अगर ये बिल्कुल सही बनी है तो आंसर सही आ गया। बाय व्हाट परसेंटेज इज द वाई लेस देन एक्स? वाई के एक्स से कितना कम है? लेस देन एक्स, मैंने बताया था ना, सॉरी लेस देन वाई बताया था ना कि क्या आएगा, 10 कम है किससे, 100 से, इंटू 100%। आंसर इज 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से करिए सर इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का स्टूडेंट्स। कैसा लगा सेशन बताना जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन है सीसेट 2017, तो हमने 2014 से लेके 2017 तक के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे ऑलमोस्ट कर लिए। बीच में अगर एक आधा व्यू रह गया होगा तो मैं फिर एक बार चेक कर लूंगा। आई विल डू दैट। क्लियर, पी इज इक्वल टू 40% ऑफ ए एंड 65% ऑफ बी एंड क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, फिर ए इज ग्रेटर देन बी। इन दिस कंटेक्स्ट which of the following statement is correct? पहला P is greater than Q, second Q is greater than P, P is equal to P, oh sorry, P is equal to Q. None of the above can be concluded with certainty. क्या होगा इसका आंसर बताओ? What will be answer of this brilliant question? Brilliant बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि देखो बच्चा क्या करेगा, आंसर क्या लगाएगा अभी बता देता हूँ मैं. 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी, वेयर क्यू इज 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी. यही दिया हुआ प्योर क्यू. अब ए बी से बड़ा है, वो सोचेगा ए बी से बड़ा है तो डेफिनेटली मुझे सेकंड वाला लगाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि देखो सपोज करो ए है मेरे पास 100 और बी है मेरे पास 10. ए केस में ए है मेरे पास 100.1 और बी है मेरे पास 100, बट एक्चुअली में आंसर डिपेंड किस पे करेगा? आंसर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. मतलब एग्जैक्ट कि एक्चुअली में वैल्यूज क्या हैं इस पे डिपेंड करेगा. ए बड़ा है तो क्या हो गया, बट एक्चुअली मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद ही बता सकता हूँ उसकी. अगर ये कंडीशन है तो ये भी बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन तो ये भी बड़ा हो सकता है, वो करके देखना पड़ेगा मुझे. क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, यस यू आर राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब the channel as well as the video, or new batch starting soon for this 9517771651 student. इस number पे call and WhatsApp करना please मत भूलिए, ठीक है? चलिए next पे चलते हैं. चलिए students, next is target CSAT 2025. इसमें हम आपको पूरा aptitude कराएंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से. then we have लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एडवांस मॉडरेटेड मेथड के साथ हम इसको करवाने वाले हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651. इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ये हमारे चंडीगढ़ मोहाली सेंटर की लोकेशन है. क्लियर? और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत कुछ डाटा आएगा. देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँगा एक बार जरा, आपने अगर अर्थमेटिक में पकड़ बनानी है ना, कोई भी चैप्टर उठा लो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पूरा चलता ही परसेंटेज पे है, ठीक है? स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट्स एंड स्टीम हो गया. भाई कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट DI हो गया? आता बेशक कम है बट कोई बात नहीं, अगर सिलेबस में है तो हमें करना है, ठीक है? अभी दिखाऊंगा आपको, एक पेपर है आई थिंक 2016-17 के राउंड का पेपर है, उसमें बहुत सारे DA के क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं आपको. क्लियर? कोई भी चैप्टर उठा लो विदाउट परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बिना संभव ही नहीं है. परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिना ये चैप्टर करने आपको, फिर वही वाली बात है, वेरिएबल लोग एक्स ले लो, वाई ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको आएगी, समझ आएगी बात? मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको आएगी, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे. क्लियर? तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना मत भूलिए, 9517771651 स्टूडेंट. इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.